हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना डिनर रूटीन। और डिनर में मैं आज बना रही हूँ कढ़ी चावल और रोटी। तो कढ़ी बनाने के लिए मैं आज बनाऊँगी पकौड़ी वाली कढ़ी। तो उसके लिए जो है मैं बेसन को घोल लूँगी। मैंने यहाँ बेसन लिया है 3 चम्मच, और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लूँगी। और इसमें जो है किसी भी तरह के कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, तो इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, इस तरह से आप इसे घोल लें। और इसमें जो है नमक हम अभी ऐड नहीं करेंगे। नमक जब हम इसकी पकौड़े बनाएंगे उसी टाइम हम ऐड करेंगे। तो इसे जो है हमारा जो घोल है तैयार हो चुका है, उसे मैं ढककर साइड में रख दूंगी। और अब हम कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक बर्तन, और मैंने दही को फेंट लिया है, तो उसमें ऐड करूँगी। और इस साथ ही साथ ऐड करूँगी इसमें थोड़ा पानी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। मैंने यहाँ 1 चम्मच बेसन लिया है, 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया है मैंने। और नमक ऐड कर दूँगी। और इसमें मैं हल्दी भी ऐड करूँगी। मैंने इसमें 1/2 चम्मच हल्दी ऐड किया है। और इसे जो है हम अच्छे से घोल लेंगे। इसमें भी किसी प्रकार के कोई लम्स ना रहे, इस तरह से आप इसे घोल लें, तभी हमारी कढ़ी जो है अच्छी बनकर तैयार होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से अच्छे से हम इसे घोल लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से घोल लिया है, इसमें किसी भी तरह के कोई लम्स नहीं रहे अब। और अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे पानी। अभी आपको देखने में ये ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल पानी की तरह है, लेकिन ये जब बॉईल होगी तब ये कढ़ी की तरह अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि कढ़ी हमारी तभी टेस्टी बनती है जब कढ़ी हमारी ज़्यादा हम कढ़ी को बॉईल करते हैं। जितना हम कढ़ी को ज़्यादा बॉईल करेंगे, जितना ज़्यादा पकाएंगे, उतने ही ज़्यादा हमारी कढ़ी टेस्टी बनकर तैयार होगी। और कढ़ी के लिए जो मैंने है एक बर्तन रख लिया है, और उसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेथी दाना। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने घोल तैयार किया था, उसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा। और इसे जो है अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अब हम कढ़ी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। और इसे आप चलाते रहें, क्योंकि जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तो हमारी कढ़ी जो है बाहर निकलने का डर रहता है, इसलिए जब तक इसमें उबाल ना आए आप इसे चलाते रहें। तो आप देख सकते हैं कि कढ़ी में उबाल आ चुका है, तो इसे हम मिक्स कर देंगे। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर। और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो अब मैं बना लेती हूँ पकौड़ियाँ। तो मैं बेसन को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऑयल को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए।
ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो अब मैं पकौड़ियाँ निकाल लूँगी। मैं पकौड़े नहीं बना रही हूँ, मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। पकौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और इसी तरह से मैं बाकी पकौड़ियों को भी फ्राई कर लूँगी। तो अब हम अपनी कढ़ी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कढ़ी हमारी बॉईल होके बहुत कम हो चुकी है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पकौड़ियाँ जो कि हमने फ्राई की थी। और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ा सा इसके साथ बॉईल होने देंगे पकौड़ियों के साथ। और साथ ही साथ मैंने तड़के के लिए एक पैन रखा है और उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल, और इसमें मैं डालूँगी सरसों। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 सूखी लाल मिर्च। मिक्स कर दूँगी और इस तड़के को जो है हमने कढ़ी को हम गैस को ऑफ़ कर देंगे कढ़ी की, और इसको हम डाल देंगे इस पर और इसे जो है ढककर रख देंगे। तो हमारी कढ़ी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने राइस को भी बनने के लिए रख दिया है और रोटियां भी सेक ली हैं। तो ये है मेरा डिनर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।